आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठेकुआ रेसिपी। बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी रेसिपी है। देखिए इस तरह से आराम से एकदम टूट रहा है, एकदम कुकीज बिस्किट की तरह। नारियल का कुकीज बिस्किट होता है ना, बिल्कुल वैसा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू बी नेचर भाई, खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं ठेकुआ बनाने वाली हूँ। इस कप से मैं सारे मेजरमेंट करूँगी। तो इस कप से मैं एक कप आटा ले रही हूँ। अब मैं एक कप मैदा इसमें डाल रही हूँ, तो ये देखिए। इसके बाद मैं एक चौथाई कप सूजी यूज कर रही हूँ। तो सूजी मैं बारीक वाली यूज कर रही हूँ। मोटी वाली सूजी को मैं मिक्सर में इस तरह से पीस कर रख ली थी, और इसमें मैंने 5 इलायची भी डाला हुआ है। दोनों मिलाकर मैं ग्राइंड कर ली थी, इसको मैं पीस ली थी। तो ये भी मुझे इसमें मिलाना है, तो इससे ठेकुआ अच्छा बनेगा, ये देखिए। तो अब मैं नारियल का चूरा यूज कर रही हूँ। तो ये 4 चम्मच में डाल रही हूँ। इसको डालने से ना ठेकुआ इतना अच्छा बनेगा ना, इतना टेस्टी, मैं क्या बताऊँ। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर आपके पास हो तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको आप ज़रूर डालिएगा। और इस तरह से मिक्स कर दीजिए। मिक्स होने के बाद मैं इसमें घी डाल रही हूँ। 1/4 कप मैं घी भी ऐड कर रही हूँ। तो इसको मैं घी को मैं गर्म करके ऐड कर रही हूँ। तो गर्म है ना, इसलिए धीरे धीरे आराम से इसको मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो उसी कप से मैं 1/2 कप चीनी डालूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से लड्डू बन जाए ना, तो समझिए कि मेरा अच्छे से आटा तैयार हो गया है और घी का सही मेजरमेंट हुआ है। तो ये देखिए, 1/2 कप मैं चीनी इसमें यूज कर रही हूँ। तो चीनी मैं साबुत इसलिए यूज कर रही हूँ कि इससे ज़्यादा क्रिस्पी ठेकुआ बनेगा। अगर आप चाहो तो पिघला कर भी चीनी यूज कर सकते हो, पर अगर आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से डो तैयार कीजिए। एकदम टाइट डो तैयार करना है, आराम से पानी डालना है, हड़बड़ में गीला नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए, एकदम हाथ को हार्ड बनाकर करना है इसको। तो डो तैयार हो गया है। अब मैं आपको किचन के बर्तन से ही इसका डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी ठेकुआ का, बिना साँचे का। तो थोड़ा सा घी इस तरह से आप लगा लीजिए, और घी लगाने से क्या होगा ना कि इसमें चिपकेगा नहीं। तो आप लगा लीजिए और इस तरह से प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आप 2-3 सामान से आप कर सकते हो। वैसे तो किचन में बहुत सारा सामान रहता है, तो ये बटर नाइफ है, इससे आप डिजाइन बना सकते हो। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हो। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे डिजाइन बना सकते हो। चूँकि हम लोग इंडिया में हैं, और इंडिया के लोग तो वैसे ही जुगाड़ू होते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। तो मैं भी आपको जुगाड़ करके दिखा रही हूँ। तो फिर से घी लगाइए, या ऑयल लगाइए, रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगाइए, या डालडा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये चम्मच से इस तरह का डिजाइन मैं बना रही हूँ। तो किचन में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिससे डिजाइन बन जाता है। अगर आपके पास साँचा है तो आप आराम से साँचा से बना सकते हो, जल्दीबाजी है तो। और अगर नहीं तो फिर इससे भी कर सकते हो। तो मैं इससे करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, चम्मच को उलट कर पलट कर आप अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से। तो अब फिर से ये नाइफ से मैं बना रही हूँ, ये देखिए। तो बच्चों को तो पसंद नहीं आता है जल्दी बहुत रेसिपी, पर ये ठेकुआ अगर आप दोगे ना तो वो बिल्कुल कुकीज बिस्किट की तरह समझकर खाएंगे कि ये कुकीज बिस्किट ही हैं। तो नारियल वाला जो होता है ना कुकीज बिस्किट, वही। तो ये एकदम देसी कुकीज बिस्किट है, तो मुझे बाज़ार से क्यों लाना जब घर पे ऐसा कुकीज बिस्किट मिल रहा है। तो ये देखिए, कद्दूकस करने वाला से मैंने आपको बनाकर दिखाया डिजाइन। फिर से मैं चम्मच से बना रही हूँ। जब घर पे ऐसा बिस्किट बन जाए, ठेकुआ का ठेकुआ और बिस्किट का बिस्किट, तो फिर मुझे बाज़ार से क्यों लाना। बच्चों को हेल्दी देना है ना, तो हेल्दी दीजिए घर में, इस तरह से बना कर दीजिए। ये देखिए, तो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में आराम से दे सकते हैं, बड़ों को तो पसंद आएगा ही आएगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट है। तो अब फटाफट से तल लेते हैं। ये रिफाइंड ऑयल है, आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज मत कीजिएगा। आप डालडा यूज कर सकते हैं, आप घी यूज कर सकते हैं, आटे में भी आप डालडा और घी यूज कर सकते हैं।
पर रिफाइंड तेल और मस्टर्ड ऑयल मत यूज कीजिएगा। तो देखिए हल्का तेल गर्म हो गया है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं आटा डालकर थोड़ा सा। तो मैंने चेक कर लिया है थोड़ा सा आटा डालकर, तो गर्म हो गया था तो मैं ये डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, चार ही डालूँगी, ज़्यादा डालने से एडजस्टमेंट में दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। और कढ़ाई भी छोटा है ना इसलिए। तो देखिए एक लेयर सेट हो जाए उसके बाद ही इसको पलटिए, वरना टूटने का डर रहता है, इसीलिए तुरंत डालकर इसको ज़्यादा पलटना नहीं है वरना टूट सकता है। तो ये देखिए इस स्टेज पे आने के बाद मुझे इसको निकाल लेना है, फिर दोबारा डालिए, इसी तरह से बनाइए। तो है ना, ये देसी बिस्किट और देसी ठेकुआ भी है हमारे यहाँ, छठ पूजा होता है बिहार में तो इसका बहुत यूज होता है। मैं तो बहुत चाव से खाती हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से टूट रहा है ना बिल्कुल, और जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये और भी एकदम खस्ता होते चला जाएगा। गर्म रहता है ना तो चीनी की वजह से थोड़ा कम खस्ता रहता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।